हेलो जी, वेलकम टू माई स्टाइल माई फिटनेस। एज यू मे नो, मैंने अपने आप को एक 13 वीक्स ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज दिया हुआ है जिसमें मुझे फिर से फिट होना है। एंड दिस इज सेकेंड वीक गोइंग ऑन, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इट्स स्टिल गोइंग ऑन। दिस इज़ जस्ट अ मिड वीक इन्फॉर्मेटिव वीडियो, हाउ टू ब्रीथ ड्यूरिंग वर्कआउट। कई बार क्या होता है, हम जब एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो हमको बहुत जल्दी सांस चढ़ जाता है, जिसकी वजह से हम अपना स्टेमिना बहुत जल्दी लूज कर देते हैं। हमारे अंदर जान होती है करने की, बट क्योंकि हमको बहुत सांस चढ़ रही है, हम हाँफ रहे हैं, हैवीली पेंटिंग कर रहे हैं, तो उस वजह से हम अपने आप को रोक देते हैं कि या तो हमारे मेरे बस की नहीं यार, और नहीं हो रहा। या फिर जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, जैसे अगर हम कुछ लिफ्ट कर रहे हैं, तो हम अपनी सांस को रोक लेते हैं, सांस को रोक के फिर हम जान लगा रहे होते हैं। फिर क्या होता है, जब अपना स्टेप कंप्लीट करते हैं या अपना रेपिटेशन कंप्लीट करते हैं, तो वहाँ पे आगे रुक जाते हैं। 3-4 बार हम सांस लेंगे, उसके बाद फिर नीचे जाएंगे, सांस रोक के चलेंगे। या फिर हम हैवीली स्क्रीम करते हैं, दिस इज़ ऑल रॉन्ग। हमको ये सब नहीं करना होता है, बिकॉज इससे क्या होता है, हम पूरी तरह से ऑक्सीजन को अपनी बॉडी में कंज्यूम नहीं कर पाते, उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। फिर नेचुरली है, हमारी बॉडी जब हम पंप कर रहे हैं अपनी मसल्स को, तो उसको ऑक्सीजन चाहिए, और वो फिर हम हैवीली इनहेल करके बहुत ज़ोर ज़ोर से सांस लेके उसको फिर पूरा करते हैं। अगर हम प्रॉपरली टेक्निक से ब्रीदिंग करेंगे वर्कआउट के बीच में, तो हमको इतना सांस नहीं चढ़ेगी और हम इजीली अपने रेपिटेशंस को, अपनी वर्कआउट को बहुत लंबे टाइम तक खींच सकते हैं। अगर हम ढंग से ब्रीदिंग करें, तो हम अपने स्टेमिना को नेचुरली बढ़ा भी सकते हैं, और जितना हमारा स्टेमिना है उसको रिटेन करके ज़्यादा टाइम तक एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसका तरीका क्या है, जब भी हम वर्कआउट कर रहे होते हैं, तो हमको सबसे पहली चीज़ ध्यान में रखनी है, वो ये है कि हमको टमी ब्रीदिंग करनी है, चेस्ट ब्रीदिंग नहीं। फ़र्क क्या है दोनों में, जब हम चेस्ट ब्रीदिंग करते हैं, तो हम अपने पेट को अंदर खींच के, इससे हमारा डायफ्राम एक्सपैंड नहीं होता और हम प्रॉपरली इनहेल नहीं कर पाते, बहुत लिमिटेड ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है और हम ऑक्सीजन सप्लाई अपनी मसल्स को सही से नहीं दे पाते हैं। जब हम डायफ्राम को एक्सपैंड करेंगे, अपने टमी मसल से ब्रीदिंग करेंगे, जैसे कि ये, तो हम ज़्यादा डीप ब्रीद कर सकते हैं और हम एक्सेस ऑक्सीजन अपनी मसल्स को प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे कि वो ज़्यादा देर तक स्टेमिना बना के रखेंगी और ज़्यादा देर तक हम एक्सरसाइज कर पाएंगे। ये तो हुई टमी ब्रीदिंग और चेस्ट ब्रीदिंग की बात। नेक्स्ट क्या है, लिफ्ट करते टाइम ज़रूरी क्या है कि जब हम अगेंस्ट दी ग्रेविटी जा रहे हों, जब मतलब जब हम जान लगा रहे हों, कुछ भी हम उठा रहे हैं अगेंस्ट दी ग्रेविटी जा रहे हैं, रख रहे हैं तो विद ग्रेविटी जा रहे हैं, उठाते टाइम हमको एक्सहेल करना है और रिलैक्स होते टाइम हमको इनहेल करना है। मीनिंग, पहले हमने ऑक्सीजन भरी, हमने सांस ली, और मेक श्योर आप अपनी वजह स्पाइन को सीधी रखें, मैं जैसे कर रहा था ऐसे नहीं करना। जब भी हम अगेंस्ट ग्रेविटी जाएं, और कोशिश करनी है इनहेल हमको अपनी नोज से करनी है और एक्सहेल अपना माउथ एंड नोज बोथ से करना है। उससे क्या होगा, जब हम इनहेल करते हैं तो हम धीरे धीरे इनहेल करेंगे और प्रॉपरली उसको कंज्यूम कर लेंगे, प्रॉपरली ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेंगे। जब हम एक्सहेल करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड हम एकदम से छोड़ देंगे। और प्लीज़ इसमें ज़रूर ध्यान रखना है कि कभी भी वर्कआउट करते टाइम हमको अपनी सांस को रोकना नहीं है। ऐसे जैसे मैंने पहले बताया, रोक लेंगे तो हम ऑक्सीजन सप्लाई अपनी बॉडी के लिए रोक रहे हैं, हमारी मसल्स के अंदर ब्लड फ्लो जा रहा है ऑक्सीजनेटेड, मसल्स को ऑक्सीजन चाहिए, वो पूरी होगी या नहीं होगी ये आपके ऊपर है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको रुकना पड़ेगा, हैवीली पैंट करना पड़ेगा, खूब सांस लेनी पड़ेगी, उसके बाद फिर आप नेक्स्ट वर्कआउट पे जाओगे। और आपने देखा होगा कई बार लोग वर्कआउट करने के बीच में बहुत लंबा लंबा गैप ले लेते हैं। मैं बहुत छोटी सी बीच में ब्रेक लेता हूँ, 15-20 सेकंड्स या मैक्सिमम 30 सेकंड्स की, वो इसलिए क्योंकि मैं रेगुलरली ब्रीथ करता रहता हूँ, तो मुझे इतनी ज़्यादा ब्रेक लेने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। मैंने बस हल्का सा ब्रेक लिया और मेरी सांस नॉर्मल पे आ गई, फिर मैंने नेक्स्ट वर्कआउट करना शुरू कर दिया। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं या मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट बिलो, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कीजिए इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे। और अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, स्टे फिट, स्टे हेल्दी।